उत्तर प्रदेश के हाथरस केस में जांच पड़ताल जारी है, लेकिन इस बीच एक बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस तफ्तीश के बीच पता चला है कि पीड़िता के घर में फर्जी रिश्तेदार बनकर लोगों ने डेरा डाला हुआ है। ये अपने आप में रिश्तेदार बताते हैं, लेकिन इनकी पहचान कोई नहीं होती। एक सच सामने आया है कि एक महिला लगातार कई दिन से रिश्तेदार बनकर पीड़ित परिवार के घर में रह रही थी, और पुलिस का दावा है कि यह महिला लगातार परिवार को बरगला रही थी। पुलिस का कहना है कि तथाकथित रिश्तेदार डॉक्टर राजकुमारी लगातार परिवार को बरगला रही थी। वो बता रही थी कि किस तरह के बयान उनको मीडिया में देने हैं, क्या कहना है। ये महिला लगातार परिवार को भरोसे में लेकर रहकर उनको अपने एजेंडे पर चला रही थी। इस महिला का कहना है कि वो जबलपुर मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है। जब इस महिला के बारे में पुलिस को शक हुआ कि ये महिला लगातार परिजनों को एक एजेंडे पर चला रही है, तो जैसे ही पुलिस को शक हुआ तो महिला चुपचाप घर से खिसक ली। पुलिस सूत्रों का कहना है कि महिला का नक्सल कनेक्शन सामने आया है, और नक्सल कनेक्शन सामने आने के बाद ही हड़कंप मच गया। SIT की टीम मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहने वाली इस महिला की तलाश में जुट गई। दरअसल ये लगातार परिवार में भाभी बनकर रह रही थी। जो कोई भी इस महिला से पूछता था कि आप कौन हो, तो ये बताती थी कि वो पीड़िता की भाभी है। लेकिन अब ये भाभी जी फरार हैं, क्योंकि जैसे ही इनके बारे में पुलिस को शक हुआ ये घर से खिसक गई। अब पुलिस इनके पीछे है। जाहिर है इस तरह के खुलासे के बाद हड़कंप मचना तय था, और वो हुआ भी, क्योंकि ये खुलासा होना बेहद जरूरी है कि ये महिला क्या थी, इसका मकसद क्या था, और किन लोगों ने इसको भेजा हुआ था। जांच जारी है, जैसे ही पता लगेगा हम सबसे पहले आपके साथ शेयर करेंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।